हेलो एवरीवन, नीडूस होम किचन में आप सभी का स्वागत है। सैंडविचेस तो हम सभी को बहुत ही पसंद होते हैं। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही लाजवाब सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि है आलू मसाला सैंडविच। इसे मैंने दो तरह की स्टफिंग के साथ बनाया है। ये सैंडविच जो है वो बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी बहुत ही पसंद आता है, और इसे आप ब्रेकफास्ट में या शाम को चाय की छोटी मोटी भूख के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 6 ब्रेड की स्लाइसेस ले ली हैं, 2 से 3 हरी मिर्च को महीन काट करके ले लिया है, और धनिया पत्ती को भी मैंने महीन काट लिया है। अब 1 मीडियम साइज टमाटर को छोटे टुकड़ों में काट लिया है, 1 प्याज को भी मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और 2 चम्मच यहाँ टोमेटो केचप ले लिया है। अब एक पैन में 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डालकर अच्छे से गरम कर लेना है। इसमें मैंने 1 चम्मच कलौंजी डाली है, उसको अच्छे से तड़कने देंगे। इस समय हमें आंच को मीडियम रखना है। अब 4 आलुओं को मैंने यूं ही हाथ से फोड़ करके ले लिया है। अब इसको थोड़ा सा भून लेना है। इसको इस तरह से स्पैटुला की सहायता से आप थोड़ा सा इसको मैश कर लीजिए। अब इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1/4 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे, स्वादानुसार नमक डाल देंगे, और 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर डाल देंगे। इसका खट्टा टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। अब महीन कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे। इस तरह आप आलूओं को और अच्छी तरह मैश कर लीजिए। तो ये लीजिए, हमारी स्टफिंग बनकर रेडी है। अब इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। अब इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। तो हमारी स्टफिंग जो है वो पूरी तरह से अच्छी तरह भून चुकी है। अब हमें इसको एक बोल में निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए, हमारी स्टफिंग बनकर रेडी है। अब मैं यहाँ एक दूसरी स्टफिंग बनाने जा रही हूँ। एक बोल लेंगे, उसमें जो हमने महीन काट करके प्याज रखा था उसको डाल लेंगे, महीन कटे टमाटरों को भी डाल लेंगे। अब 2 चम्मच जो हमने केचप ली थी उसको भी इसमें मिला लेंगे। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये लीजिए, हमारी जो दूसरी तरह की स्टफिंग थी वो भी रेडी हो चुकी है। तो चलिए चलते हैं सैंडविच बनाने। यहाँ एक ब्रेड साइज लेंगे, उस पर जो हमने आलू की स्टफिंग बनाई थी उसको पूरा अच्छी तरह से ब्रेड पर फैला लेंगे, सब तरफ से बराबर इस तरह से। अब इस पर हमने जो प्याज और टमाटर की स्टफिंग बनाई थी उसको भी अच्छे से सभी जगह फैला लेंगे, और दूसरी ब्रेड से इसको बंद कर देंगे। तो लीजिए, हमारा पहला सैंडविच बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम एक और सैंडविच तैयार कर लेते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। तो ये लीजिए, हमारी दोनों सैंडविचेस बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो चलिए इसे सेक लेते हैं। यहाँ पर ग्रिल ट्रे को अच्छे से तेल से ग्रीस कर लेंगे। अब जब वो गर्म हो जाएगी तो उस पर हम दोनों सैंडविचेस को रख देंगे। दूसरी साइड भी हम अच्छे से तेल लगा लेंगे इस तरह से। अच्छे से हमें इस पर ऑयल जो है वो ब्रश कर लेना है। अब हमें इसे ग्रिलर को शट करके इसको 2 मिनट के लिए अच्छे से सेक लेना है। तो ये लीजिए, हमारा मज़ेदार मसाला सैंडविच बनकर तैयार है। अब हम इसे पीसेस में कट कर लेंगे। वाओ, लग रहा है ना लाजवाब देखने में। तो ये लीजिए दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो एंजॉय कीजिए ये मसाला सैंडविच। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और एंजॉय करिएगा। थैंक यू।